हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे कि आप कपबोर्ड, किचन, डोर्स और चौकाट की पैमाइश कैसे करें। चलिए दोस्तों, आ जाओ। ये हमारी किचन है। जैसे इस किचन में हमने जो बॉक्स बना रखा है वो पूरा साइड तक, एंड तक बना रखा है, तो जो हम इसकी पैमाइश करेंगे वो एंड से ही शुरू करेंगे। अब जैसे यहाँ तक आ रही है तो इसके नीचे यहाँ इसकी स्टार्टिंग एरिया है, तो हम इसको इसकी सीध में ना मेज़रमेंट करेंगे। जैसे हमारा 88 इंचीज़ है तो हम इसमें लिखेंगे 88 इंचीज़ बाय। अब हम इसकी नापेंगे हाइट। जैसे इसकी हाइट आप देख सकते हैं, इसकी हाइट 32.5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 32.4। तो ये हमारा होगा इस साइड का। ऐसे हम सेकंड साइड आएंगे। अब जैसे इसका जो हमारा बॉक्स है वो एंड तक जा रखा है और ये यहाँ तक है, ये हमारा आ गया 100 इंचेस पे। वही सेम 100 × 32.4 इंचेस। और जो हमारा ये वाला पार्टीशन है ये इतना है, सेम है, तो हम इसको नापेंगे। जैसे हमारा ये है 9 इंचिस का, तो यहाँ 9 इंचिस बाय 32.5। तो अब रह गया हमारा नीचे का एरिया। जैसे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये है 52 इंचिस, और इसकी जो हाइट है वो है 21 इंचिस। तो जैसे हमारा ये था 55 बाई 21। अब आगे हमारे ऊपर के बॉक्सेस, तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ तक है 47 बाई 24। ये दोनों हमारे सेम हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 47 बाई 24 × 2। आप देख सकते हैं कि जो हमारे ये डिमेंशंस आ गई हैं, अब हम इनको आपस में इंटू करेंगे। हमने इंटू करना है इनको फिट में। जैसे 88 है ये 7.3 हो जाएगा, 32 है ये हो जाएगा हमारा 2.6। अब हम आपको करके दिखाते हैं। अब जैसे हमारा 88 है तो ये हमारा आएगा 7.3 × 2.6, तो ये हमारा आ गया 18.98 स्क्वेयर फुट। ऐसे हमारा ये है। अब जैसे 100 है, 12 × 96, ये हमारा आएगा 8.3 × 2.6, ये हमारा आ गया 21.58। अब जैसे हमारा 9 इंचेस है तो हम इसको करेंगे 0.9 × 2.6, ये आ गया हमारा 2.34, ये हमारा आएगा 55, ये हमारा आएगा 4.8 × 21 है, तो ये हमारा आएगा 1.7, ये आ गया हमारा 8.16, और ये आ गया हमारा 47, 4 बाई 2 8 × 2 16, ये हमारा आ गया 16। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये 9 55 21 वाला था, इसमें हमने सिर्फ दो डोर्स लगाए हैं, तो इसके हम डिमेंशंस बीच में नहीं ऐड ऑन करेंगे। तो अब हम इनका टोटल करेंगे 18.98 × 1.58, ये हमने 2.34 प्लस, ये हमने नहीं लेना है तो हम करेंगे प्लस 16, ये हमारा क्या 58.9, राउंड फिगर में 60 हो जाएगा। तो जो हमारी किचन है वो लगभग 60 स्क्वेयर फिट की है। और उसके बाद जो हमारा ये वाला एरिया है 5 पॉइंट, ये हमारा लक्ष्य है 8.16। तो ये हमारा स्क्वेयर फुट आ गया किचन का। और जो हमने यहाँ रफली आइडिया वो ये वाला, जो हमने सिंक के नीचे का एरिया कवर किया, तो इसका रेट अलग होता है, इसका रेट अलग होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं डोर्स की पैमाइश कैसे करें। अब जैसे ये फ्लश डोर है तो हम इसके पहले नापेंगे इसकी विड्थ।
जैसे 3.3 फीट 0.2 हो गए 1.2 और इसकी ऐसे सेम हाइट। ये आ गया 7 फीट। तो ये हमारा था 7/3.2 = 22.4। ये हमारा हो गया स्क्वायर फीट इसका 22.4 डोर का। सेम ऐसे इसका जो स्क्वायर फीट होता है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। जो जाली वाला डोर है, जो विंडोज़ हैं, इनका रनिंग फिट में होता है कि हमारा रनिंग फिट एरिया कितना है। रनिंग फिट का मतलब है जैसे हमारी ये लेंथ है 7 फुट की है, तो 7+7 और ये हमारा 3 फुट का 3+3 7+7 14 3+3 6 14+6 20 और जो इसका बाकी का एरिया होता है वो 2 से 3 स्क्वायर फिट के बीच में, रनिंग फिट के बीच में लिया जाता है। तो ये इसकी स्क्वायर फिट होता है। ऐसी सेम रहता है चौकाट का, इसका भी जो रनिंग फिट में होता है जैसे 5 इंचज़ की आपके चौकाट 5/2 किया है, 6/3 किया है, 4/2 किया है, उसका सबका अलग अलग रेट होता है। तो जैसे ये हमारा ये 6/2 की चौकाट है तो इसका रेट लगा है, इसका सेम एरिया हाइट विड्थ सेम (1:1:2:2) जो इसका रनिंग फिट निकलेगा वो इसका रनिंग फिट होएगा। इसकी जो ये वाली लेंथ है, जो ये वाला इसका पार्टीशन है, इसका रनिंग फुट लग होएगा। तो ये था हमारा डिमेंशंस का एरिया, डिमेंशंस के बारे में किस चीज़ की कैसे डिमेंशंस ले। जो आपका कपबोर्ड का है, किचन का है, उसका तो आप स्क्वायर फिट आ जाएगा। जो डोर्स का वो आपका रनिंग फिट में आएगा और जो आपका फ्लश डोर है वो भी स्क्वायर फिट में आएगा। तो दोस्तों जो आपने इसमें कैलकुलेशन की है, मेजरमेंट किया, जो आपकी इसमें रेशो निकलेगी, जो आप कारपेंटर ने आपको उसमें रेट बताया, आप उस रेशो से उसको इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपकी अमाउंट निकलेगी वो आपका इस पर खर्चा आएगा, इस पर लेबर कॉस्ट उतनी बैठेगी। वो आपके रेट है जो विद मटेरियल और विदाउट मटेरियल है या लेबर कॉस्टिंग है, वो आप उस हिसाब से इंटू करें जो आपको रेट मिला अपने कारपेंटर से। तो ये था हमारा वीडियो बनाने का मकसद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। Time is barely on our side.